अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया जी आपका मेरे व्लॉग बर्ड म्यूजियम द बैट हाउस पे। ये देखें जी मेरा शहजादा बजी नोइया तो यहाँ कर रहा है यार, नहा रहा है मज़े से। वाह, इस बार फर्स्ट टाइम देखा है यार ऐसे नहाते हुए पानी वाले में, जिसमें पानी पी रहा है उसी में नहा रहा है। कितना मज़े का यार, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। हो गया तेरी है, दूसरे वाले को भी लाता है उश्कल हो रहे हैं नहाने की, वो आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो दूर दूर से ही वो हाल ही वाले बॉक्स के अंदर आके बैठ गए जिसमें पानी भी नहीं है। अब भाई साथ वाले में इसमें ना आके यार, मैं तो जा रहा हूँ केज के अंदर। एक मुश्किल सी आ गई है, आपको दिखाता हूँ। बजीस है ना, बजीस वो काफ़ी वीक हो गई है अंडों पे बैठ बैठ के, तो फीमेल जो है ना वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और मुर्गियाँ उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। तो एगीज उसकी देखते हैं कितने दिए हुए हैं उसने, आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह 3 eggs हैं। तो वो बेचारी अब नीचे गिर गई थी, इसको मैंने बड़ी मुश्किल मुर्गियों से बचाया और वापस उसको बिठाया। एक तो नहा रहा था आपके सामने आपने देखा है, दूसरा वो देखे कॉर्नर पे जाके बैठ के वो केला उसको मार पड़ी है। फीमेल है ये देखें, ये मार खा के बैठी हुई है फीमेल। उसके पाड़ी उतार दिए हैं उसने मुर्गी ने, तो अभी कुछ बेहतर लग रही है। मुझे लगता है मुझे इनका ना जो ये कुछ है अंडों वाला ये निकाल के सेपरेट केज में लगाना पड़ेगा ताकि वो ईजी होकर बैठ जाएँ, क्योंकि वो तोती बहुत ज़्यादा जो है ना वीक हो गई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा तंग करता है ये ग्रीन वाला, बहुत ज़्यादा। ये मुर्गियों से कम नहीं है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था लास्ट, ये बहुत ज़्यादा इन दोनों को तंग करते हैं। तो वो अंदर चले गई, वो गीला ही चला गया यार, नहाया हुआ अंडों के ऊपर जा गीला बैठ जाएगा। मुझे लगता है इन्होंने अंडे ख़राब कर देने अपने। और ये देखें, ये मेरा पेयर कुछ भी नहीं कर रहा अभी तक, इन्होंने अंडे नहीं दिए। तो मैं इंशाल्लाह इनका या केज में से ना ये उतारता हूँ और लैदा सेपरेट में जा कर इनका लगा देता हूँ, ताकि ये ईजीली बैठ के वहाँ पर ना अपने अंडों के ऊपर बैठ जाएँ और परेशानी ना कोई होए। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि इतनी चीहो पुकार की आवाज़ आई मुझे, चीं चीं की अंदर से। मैं भागा, मैं देखा मुर्गी इसके ऊपर बैठी हुई है, बल्कि ठूंगे मारे उसको ज़ोर ज़ोर से, बेचारे का सारा ऊपर से स्किन ही उतार दिया, वो सारे पर उतार। अब देखो ये तंग करने के लिए चला गया, इसका अपना पेयर है ग्रीन वाले का और साथ वो बेचारी तोती बैठी है, उसको भी जाग ठूंगे लगाएगा अभी, देखना ये आप। ये देखो इसको भी, उठो इधर से निकलो। तो मैं नेक्स्ट इसको इस तरह करता हूँ, इसको लगा सेपरेट पेज में केज के अंदर इसको ना मैं शिफ्ट कर देता हूँ केज, देखते हैं कौन सा फ्री है। नहीं है तो बटेरों वाला केज फ्री कर देते हैं, उसी के अंदर इनको ना सेट कर देते हैं दोनों को, बाकी अल्लाह है रखे। तो मैं कहता हूँ कि निकलने हैं तो बच्चे निकल आए, इस तरह ना करें यार बेचारे, कभी गीले होके जाके बैठ जाते हैं, कभी बेचारी उठ जाती है, टेंशन लगी हुई है। फर्स्ट टाइम ब्रीड की है इन्होंने, अंडे दिए हैं तो समय से बाहर है यार। सब आप सबसे दुआ है यार कि अल्लाह करे यार उनके लग जाए, बड़ी उम्मीद है, फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसको निकालता हूँ। देखिए जी ये एक बजीज है, एक बजी जो उनसे ना उसने अंडे दिए हुए थे, वो खुद बेचारी में मार पड़ गई। अब उसके एग्स की जो से हिफाजत कैसे करें समझ नहीं आ रही, सारे उनको तंग कर रहे हैं। अब उसको उतार के उसको सेपरेट करने लगे ताकि वो आराम से, क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसको, क्यों बंद किया आपने, छोड़े वो खुद ही निकल आएगा। कान इतना मजबूती से बांधा हुआ गिर ना सके, अब इतना ही मुश्किल है उसको उतारना ताकि इसके अंडे की हिफाजत भी रहे, मेल भी ना उसके अंदर से निकले। मुंह के आगे के होके देख रहा है कि मुँह मुझसे बात कर ले, आप देखना मुंह पे चढ़ जाएगा डेजी के। पीछे रहे आप, पीछे रहे, वेट वेट, अब इसको सेपरेट करेंगे हम ताकि अपने बच्चों को तो ये आसानी से टाइम दे सके ना, वो बीमार होने की वजह से बार बार गिर रही है। सैन उसको बीच में नहीं करो,
मैं इसकी तरफ नहीं कर रही क्योंकि मेल बीच में अंडों की हिफाजत करने के लिए बैठा हुआ है। वो ये ना देखे कि अंडों को वीडियो बन रही है। माशाल्लाह जी हमारे बटेरनी ने एक और अंडा दिया, पर मुझे समझ नहीं आ रही यार, वो था ब्राउन कलर का, उसके ऊपर डॉट से, ये अंडा ग्रे कलर का है, ये की करना चाह रहे ने मेरी समझो बाहर गल है कि रंग बिरंगे अंडे देते हैं बटेर मेरी, तो मैं तो फर्स्ट टाइम देखे लाइफ में। अभी मैं अगर तो ये भी मैं इसी कबूतरी के नीचे रख देता हूँ अंडा, ये वाला भी ऊपर वाली कबूतरी के नीचे, उसने भी एक दिया हुआ है, दूसरा अंडा भी नहीं दिया, तो ये भी उसके नीचे रखते हैं ताकि ये भी साथ साथ काम चलता रहे, क्योंकि एक एक अंडा मैंने नीचे वाली कबूतरी के साथ रखा हुआ है एक आप इसके साथ। और माशाल्लाह बजीज भी ठीक है, इनको कल का शिफ्ट किया हुआ है मैंने और दोनों ही गए हुए हैं कुछ के अंदर, चलो अल्लाह ताला बेहतर करे। डक मेरी बड़े आराम से लेटी हुई है, पता नहीं तबीयत सही हो इसकी, और ये जोड़ भी ठीक है। चलो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ इस कबूतरी के अंदर, ये क्या करती है देखते हैं। मैं चेंज अभी अंडा मैं इसके नीचे रखता हूँ, देखते हैं क्या करती है, चेक करते हैं। उसने तो ऑलरेडी दो अंडे रखे हुए हैं माशाल्लाह, इसका क्या करूँ मैं, कोई बात इसको रख दे, नहीं फिर से रखा नहीं जाना, संभाला नहीं जाना, क्योंकि एक टाइम पे ये दो अंडे संभाल सकते हैं, माशाल्लाह दो अंडे हो गए। चले इसको भी रखते हैं अंडे को चेक कर, नहीं इसके साथ नहीं रख सकते ना, उससे संभाले नहीं जाने तीन दिन अंडे, वो ये दो कबूतरी दो अंडे संभालते हैं, अल्लाह कैपेसिटी इतनी दी हुई है, इस अंडे को हम संभाल लेते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई भी बैठता है ना कबूतर वो वाइट। मैंने रख दिया जी, बाद में देखते हैं। कबूतरों को मैंने खोल दिया है दाना खाने के लिए, अब वो सारे नीचे उतर गए दाना खा, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं अंडे। माशाल्लाह कबूतरी ने अपना अंडा भी दे दिया हुआ था, एक और मुझे शायद एक अंडा है, लेकिन उसके दो हो गए थे, फिर मैंने रख दिया, बेगम ने सरार किया जी रखे, फिर माननी पड़ी। अब ये देखें सारे दाना खाने के लिए अपने अपने केजी से निकल आए बाय, और जैसे ही ये दाना वगैरह खा लेंगे फ्रेश हो जाएंगे तो ये वापस अपने ना अपने अपने केजीज में चले जाएँगे और एग्स के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ये फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनको निकालना पड़ता है, ना निकाले तो ये थक जाते हैं बेचारे अंदर बैठ बैठ के, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकालता हूँ दाना छाना खाएँ फ्रेश हो जाएँ, तो ताकि फिर ये इजीली ना बैठे रहते हैं अपने अंडों के लिए। तो फिर ये देखें अभी घूम फिर लें इन्जॉय कर लें, ये खुद बखुद ही चले जाएंगे, मुझे इनको ना अपने केजेज में डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये वापस चले जाएँगे। ये देखें जी मैंने नया परिंदा लिया है, कितना प्यारा तोता है मेरा, ये तोता नीचे से उड़ के ऊपर जा के बैठ गए, कमाल नहीं हो गया, और दफा हो नीचे, ये देखें इसके काम, थले थले इसने तबाही फेर दी है सारी ऊपर आके, अब इसको मैं नीचे उतार दूं। सबको ड्रा करा दिया इसने, इनको इसलिए मैं जल्दी से जल्दी जो है ना ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, सब डर गए हैं कि ये बब्बर शेर के दर से ऊपर आ गए हैं, यानी कहा देखो भला इन्होंने। जी तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, अगर चैनल पर नहीं है प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more.